आज हम लोग आज की राइड थी हमारी पानीपत से लेके सोलन तक की, ठीक है। और मैं और विनीत हम लोग आज निकले थे सुबह राइड के लिए। तो जीरकपुर हाईवे पे जहाँ से हम लोग पंचकुला से होते हुए शिमला की तरफ जाते हैं, तो हम लोग जीरकपुर हाईवे पे थे। वहाँ पे अचानक से एक गाड़ी थी वरना ब्लैक कलर की, जिसका लाइव शॉट मैं आपको दूंगा, भी एक्सीडेंट हुआ था उसका, क्योंकि मैं आगे था तो एग्जैक्टली ठीक मेरे सामने नहीं हुआ, बट हाँ विनीत मेरे पीछे था तो इसके सामने ठीक वो सिचुएशन थी, जिसमें वो गाड़ी इतनी बेकाबू हो गई, कैसे क्या हुआ कि वो डिवाइडर में जाके टकराई और वो काफ़ी थोड़ा सा उछली भी, उसके बाद वो ट्रक में लगी, और वो कैसे हुआ तो एग्जैक्टली सिचुएशन। तो विनीत भाई क्या हुआ था, मतलब बेसिकली स्पीड बहुत ज़्यादा थी, अराउंड 120 की स्पीड थी और बारिश आ रही थी तो जो सड़क थी वो गिली थी, तो थर्ड लेन से वो फर्स्ट लेन में हुए तो वो आउट ऑफ बैलेंस हो गई, तो वहाँ से वो 180 डिग्री गाड़ी घूमी, उसके बाद डिवाइडर पे लगी, उसके बाद वो डिवाइडर उसके ऊपर चढ़ के उस साइड ना जाके वो दोबारा इधर घूम गिर गई, तो उनका एक टायर निकल गया और वो टायर जो है वो अपने आप चलने लगा, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी गाड़ी की, और गाड़ी के सारे एयर बैग्स खुल गए। होपफुली फॉर्चुनेटली किसी को कोई चोट नहीं लगी, सब ठीक थे, बट स्पीड बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतनी तेज़ स्पीड में अगर आप गाड़ी चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ऊपर से बारिश आ रही है। मैं जब अपने रियर व्यू में देख रहा था तो मुझे सिर्फ एक पहिया चलते हुए नज़र आया था रोड पे, उसके बाद मैं रुका था, मुझे लगा कि कहीं कुछ मतलब पीछे मिसहैपनिंग तो ज़रूर हुई है, किसी को चोट ना लगी हो, तो अचानक से मैं रुका, मैं पीछे देखा तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही था कि विनीत कहाँ है, विनीत चलो पीछे आ रहा था थोड़ा सा, मैं कह थैंक गॉड। फिर उसके बाद मैं कहा अभी ये लगा कौन है, इक्का दुक्का इंसान भाग रहा था। वैसे भी हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है कि अगर एक्सीडेंट हो तो कोई नज़दीक लगता नहीं है, दूसरे लोग तमाशा जरूर देखते हैं, तो आज भी हल्का फुल्का कुछ ऐसा था, लेकिन ये था कि हम लोगों ने इनिशिएट किया उस चीज़ को, तो और दो चार लोग आगे आए और आके उन्होंने उन चीज़ों में थोड़ा सा सपोर्ट किया, एंड वो लिटरली मतलब जो लड़की ड्राइव कर रही थी वो तो ऑन द स्पॉट शी रेन लाइक, मतलब वो क्यों भागी, उसकी क्या गलती थी, ये जरूर एक पहेली बन के रह गया, राइट। लेकिन बेचारा वो लड़का जो अब आप इस वीडियो में देखेंगे, वो लड़का बड़ा मासूम था और उसके लाइफ में शायद मेरे ख्याल उसका फर्स्ट पहली बार ही है ना, पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा कुछ एक्ट हुआ था, उसके बाद वो इतना डरा हुआ था कि उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूँ क्या। तो आप लोग भी थोड़ा सा इस वीडियो को ना देखना, इस वीडियो में मैं कुछ भी कट नहीं कर रहा हूँ, हाँ हमने कुछ बातें उसे ज़रूर बोली, बट वो इस इंटेंशन से नहीं कि हम लोग उसे मिसगाइड कर रहे थे, क्योंकि वो डरा हुआ था तो सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए बोला, एंड जब तक पुलिस नहीं आई जब तक हम लोग वहाँ रुके भी, और उसके बाद जब ओवरऑल सिचुएशन सारी सॉर्ट आउट होगी, वो लड़का भी नॉर्मल हो गया, तो फिर हम अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है ना? लगी तो नहीं? क्या हो गया एकदम? तो कहाँ से गाड़ी कहीं से घुमाई थी तूने? कैसे? लड़की चला रही थी। तो लड़की कहाँ है? अरे फोन निकालो अपना, चाबी नहीं है इसकी? नहीं नहीं वो की स्टार्ट है, एक मिनट ऑफ कर दो इसको, वो कर दिया ऑफ कर दिया, चाबी आ भाई कर दी क्या, ऑफ कर दी हां ऑफ कर, चाबी गए इसकी, चाबी ऑटोमेटिक है, दिक्कत ना चाबी की, चाबी तो हाथ में है, हम डायरेक्ट कार नहीं गई, नहीं मैं भाई
अरे फोन मिलाइयो यार, वो चले गए पुलिस वाले, चले कुछ फोन मिला हम भाई फायर ब्रिगेड को फोन कर दे, गाड़ी पकड़ देगी, काम खराब हो जाएगा तेरा। अरे सुन, ये बोतलें बाहर निकालियो, ये बोतलें निकाल के साइड में डाल, बॉटल्स निकाल दे भाई, उधर डाल साइड में, ये उठा के रखी नहीं जाएगी क्या साइड में? अंदर ही आ गई कहीं लगी है अंदर शॉट। अरे ये रखो, अरे सुनो एटीएम, भाई साहब एक्चुअली किसी ने नंबर लिखवाया था, गाड़ी किसी की एक्सीडेंट हो गई है तो आपका नंबर बताया था। मेरा नंबर यहीं जीरकपुर के पास में, जीरकपुर से ही बोल रहे हो क्या? जीरकपुर से ही बोल रहे हो ना? दिल्ली से थोड़ी खड़ी हो जाएगी। चलो ठीक है ठीक है, हो गए, आएगा ही आएगा। कोई बात नहीं, अरे कहानी हम बना देते हैं, टेंशन के लिए कहानी हम बना देते। नहीं कोई नुकसान नहीं है जी, बस गाड़ी डैमेज होगी, ये साइड करानी पड़ेगी गाड़ी। हाँ, और एक इनका फोन स्विच ऑफ है, नंबर नहीं लग रहा, इनके रिलेटिव्स को कॉल करना है। हाँ हेलो, मेरा तो सारा फोन और भी गया। अरे जाओ यार, जाओ ये कितने जाओगी वैसे गति? मतलब कितने जाओगी गति? मतलब ये लेके कहाँ जाएंगे? ये थाने में नहीं मेरे पास, तो कराते तो कुछ क्षेत्र ले जाओगे। हाँ तो कराते मैं कुछ क्षेत्र ही ले जाऊँगा इसकी ना। अरे इसको ना देख, इसमें पुलिस वालों का कोई रोल नहीं है, अपनी गड्डी है अपना। हाँ एजेंसी में ना टोल फ्री नंबर कॉल करके और इसे अपने वहाँ ले जाओ, ये है ना, देखिए कॉल करने पड़ेगा। इसमें आप लोगों का तो रोल नहीं है ना कोई, सर? इनकी गाड़ी में नहीं, नहीं, कोई रोल नहीं है ना, ये अपना गाड़ी ले जाएंगे उठा के, कोई दिक्कत नहीं। जब डबल होए किसी नाल हो जाए, हाँ बच गया बच गया, दूसरे के तो लगा नहीं। चलो ठीक है, ये ना देख ये टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके गाड़ी टो करा लो, अभी आ जाएंगे आधे घंटे एक घंटे के अंदर अंदर। आ रहे टोल नंबर पे पहले मारा, गाड़ी नंबर बता के और टो करा दो।
तेरे को अंदर कुछ लगा तो नहीं हुआ ना कहीं? चलो भाई चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी जनाब, ठीक है भाई, टेक केयर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से छोड़ दोगे वहां तक? कहां तक? हां बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज ओवर स्पीड मत कीजिए, ओवर स्पीड बहुत खतरनाक है। वो लकी था जो बच गया, जरूरी नहीं है हर इंसान लकी हो। ओवर स्पीड करने से पहले ना एक बार ये चीज़ें सोचें कि मतलब एक बार होने के बाद ना फिर इसका कुछ मतलब वापस से इसको ना रिवाइंड नहीं किया जा सकता। तो गाइस प्लीज प्लीज कंट्रोल के साथ होशो आवास में ड्राइव कीजिए, राइड कीजिए, और इस वीडियो को देख के सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।